Good morning, everyone. Praise the Lord. Jesus loves you and He cares for you. And let's read a scripture passage from Psalms, Bhajan Sahita 103, और इसमें लिखा है इस प्रकार से, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। दोस्तों, ये भजन संहिता 1 से लेकर 5 तक हमने पढ़ा है और बहुत ही खूबसूरत आयत है, बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर के कार्य यहाँ पे बता रहा कि परमेश्वर क्या करता है। वो आपके जवानी को उत्तम, वह आपके जवानी को काप के समान नहीं करता है, अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है, आपको चंगा करता है। लेकिन हाँ, ये सब परमेश्वर के कार्य के बारे में बता रहा है, जो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देता है। लेकिन दाऊद सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्यों? आगे आपने देखा ही पीछे, मतलब क्या बोल रहा है, क्योंकि वो उसके कार्य महान है, वो महान है, वो जिंदा खुदा है, वो अद्भुत है, वो हमारे जीवन में हर एक आशीष बरकत देता है। तो आज मेरा मूड है परमेश्वर को धन्यवाद देने का और परमेश्वर का आराधना करने का। कभी कभी स्पेशल थोड़ा समय निकालना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज आप भी समय निकाल के परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप सिर्फ ये ना कहें परमेश्वर मैं चाहता हूँ ये दे वो दें, बल्कि इन रिटर्न भी हम लोग कुछ दे नहीं सकते हैं, बट थोड़ा समय धन्यवाद निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मेरा भी आज मन है परमेश्वर को धन्यवाद कहने का, और आप सब भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये खुशी की बात है। और आज कुछ गीतों के द्वारा और कुछ अलग अलग हिंदी गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए, आप भी बने रहिए, परमेश्वर इस क्लिप के द्वारा आपके जीवन में भी आशीष दे। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. सचमुच ये गाना में यही कह रहा कि सिंग लाइक नेवर बिफोर, अब पहले से ज़्यादा आप गाइए परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसके कार्य को आपने देखा है। वही आपके जवानी को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वो आपके आपके जवानी को उकाब के समान नया करता है, वही आपके आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही आपके रोगों को उससे चंगा करता है। सचमुच परमेश्वर के कार्य महान है और परमेश्वर अद्भुत है, वो धन्यवाद के योग्य है। इसलिए परमेश्वर हमारा धन्यवाद के योग्य है, वो वर्दी है, और वो सचमुच हमारे जीवन में अनोखा जगह रखता है,
वह महान है। इसलिए लगातार परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर, वी लव यू, वी प्रेज यू, वी एडोर योर नेम ओ लॉर्ड, हालेलुया। सारी दुनिया तेरी है, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, जीसस धन्यवाद, 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 हालेलुया, थैंक यू फादर, हो यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, We worship you, Lord. We adore your name. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप मनुष्यों के अंदर को देखते हैं परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भी हमने आपके लिए गुनगुनाया परमेश्वर, वो आप जानते हैं, आप उसे ग्रहण करें परमेश्वर। और हम में से हर एक को ये अनोखा समय दें कि परमेश्वर के लिए समय निकालें और परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं, क्योंकि आपके जो काम है प्रभु जी, वो महान है, और आप सचमुच में हमें नया बल देते हैं और नए आशीष देते हैं, नया दिन दिखाते हैं परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे राजा, हमारे मालिक, हमारे प्रभु जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, आप यूनिक, एकमात्र, एक जिंदा खुदा हैं परमेश्वर, जो हमारे रंग रूप से नहीं, हमारे शरीर से नहीं, बल्कि आप हमसे इन सब चीज़ों के अलावा आप बेहद प्रेम करते हैं। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए आशीष मांगते हैं, हमारे घर, आस पास, पड़ोसी, हमारे काम, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, सबके जीवन में खुशहाली दीजिए। शैतान के हर एक ताकतों को नष्ट कीजिए परमेश्वर, हमें ज्ञान दीजिए, हर एक उलझन परेशानी से निकालिए प्रभु जी, हमारे गरीबी को दूर कीजिए परमेश्वर, एक नया सूझबूझ से हमें उठाइए चलाइए। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में आशीष का कारण रहा होगा, और आप जरूर परमेश्वर के लिए समय निकालिए और परमेश्वर को आप अनुभव कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।